हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ्स पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने जरूर, आपको पता होगा कि पिछली तीन वीडियो से मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली वीडियो में मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को प्रूफ करके दिखाया था और अगली दो वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो फ्रेंड्स, मुझे उन वीडियो पर एक फीडबैक जो सभी से मिला वो ये था कि सर, आपने नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला जो लॉ है उसको एक्सप्लेन नहीं किया और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपने नहीं कराए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला जो लॉ है उसको ना सिर्फ प्रूफ करेंगे बल्कि कुछ इनिशियल क्वेश्चन भी मैं उनके ऊपर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको वो लॉ अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपको न सिर्फ लॉ समझ में आएगा बल्कि आपको क्वेश्चंस में उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन को भी जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन एडवांस मिल जाए मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और लॉ को प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो आप जानते ही हैं कि लॉ कहता है a की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर m, जहां पर a इज अ नॉन जीरो इंटीजर। तो यहां पर a जो है एक नॉन जीरो इंटीजर है, अगर उसकी जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो नेगेटिव होगी तो वो 1 अपॉन यानी उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो a की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू a की 1 अपॉन a की पावर m। तो फ्रेंड्स, आइए इस लॉ को हम अब प्रूव करके आपको दिखाते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है 2 की पावर माइनस 5। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये इक्वल है 1 अपॉन 2 की पावर 5 के। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम जल्दी से प्रूव करके आपको दिखा देते हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि हमें दिया हुआ है 2 की पावर माइनस 5, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं ले सकते कि 2 की पावर 5 माइनस 10। अब आप देखिए, अगर हम 5 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो माइनस 5 के इक्वल आएगा। तो 2 की पावर माइनस 5 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 माइनस 10। अब देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो हमारी पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो अगर हम डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस वाले लॉ को अप्लाई करें रिवर्स में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 10। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ रहे हैं, आप जानते हैं ना हमारा लॉ है जो कि कहता है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। तो उसी लॉ को मैं यहाँ पर रिवर्स में अप्लाई कर रहा हूं, हमें मिला हुआ है a की पावर m माइनस n और उसको मैं फिर इस फॉर्म में लिख रहा हूं। अब देखिए फ्रेंड्स कि हम इसको इस वे में भी राइट कर सकते हैं कि 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 10। अब अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा 2 5 टाइम्स, और डिनोमिनेटर में हमें 2 को राइट करना होगा 10 टाइम्स क्योंकि हमारी जो पावर है वो 10 है। तो जल्दी से मैं इसको लिख लेता हूं, फटाफट काउंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 और ले लेते हैं। तो अगर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो हमें ये मिल जाता है। अब आप देखिए कि हम इन जीरोस को एक दूसरे से कट कर सकते हैं, तो 5 टूज वो 5 जो डिनोमिनेटर में 2 है उनको कट कर देंगे। तो बेसिकली हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया है 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर 5। तो आप देख रहे हैं कि हमने प्रूफ कर दिया है कि 2 की पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 की पावर 5, और ये उसका जनरल फॉर्म है फ्रेंड्स, जिसको हम ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुके हैं कि a की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर m, जहां पर a हमारा एक नॉन जीरो इंटीजर है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये जो मैंने प्रूफ करके दिखाया है इस लॉ को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसके बेसिस पर हम कुछ बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से।
तो क्वेश्चन हमें कहता है कि इवेल्यूएट 3 की पावर -2। अब हमें इवेल्यूएट करना है इसकी वैल्यू को, 3 की पावर -2 की वैल्यू को। तो जैसे कि अभी हमने लॉ में पढ़ा, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2, और इसको फिर हम नीचे एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 3, और हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम जो हमारा नेगेटिव पावर वाला लॉ है उसको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -4 की पावर -2। तो अगेन इसी लॉ को यूज करते हुए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/-4 की पावर 2। अब अगेन फ्रेंड्स हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं और हमें मिल जाएगा 1/-4 × -4। अब यहां पर दो नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और 4 × 4 होते हैं 16, तो हमें आंसर मिल गया है 1/16। वही है इस नेगेटिव एक्सपोनेंट की वैल्यू। अच्छा फ्रेंड, अगर आपको याद होगा, और जिन्होंने वीडियो ये पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाई हुई है कि क्यों दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है, आप इस वीडियो को भी जरूर जाकर देखिएगा इस वीडियो के बाद। तो आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/2 की होल पावर -5। तो फ्रेंड हम क्या करते हैं कि पहले, क्योंकि ये होल पावर है, इसका मतलब ये जो -5 पावर है 1 की भी है और ये 2 की पावर भी है, तो पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 1/-5/2 की पावर -5। अब फ्रेंड जो हमारा लॉ है, a^m = 1/a^m, इसका यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इस 2 की पावर -5 को तो ले जाते हैं न्यूमरेटर में और 1 की पावर -5 को ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, जिससे क्या फायदा होगा कि जो हमारी नेगेटिव पावर्स हैं ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आइए इसको हम लिख देते हैं इस तरीके से, 2^5/1^5। अब आप जानते हैं कि 2^5 को हम एक्सपेंड कर देंगे और 1^5 तो 1 के इक्वल ही होता है, तो अल्टीमेटली जो हमें आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 32। यही है हमारा इस नेगेटिव एक्सपोनेंट की वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी मैंने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि इस वीडियो में आप जो नेगेटिव एक्सपोनेंट का लॉ है उसको अच्छे से समझ जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस लॉ को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आने वाली वीडियो में हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।